सब्सक्राइब करें पैराडाइज कंप्यूटर और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दे टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल पैराडाइज कंप्यूटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि सबके कंप्यूटर सिस्टम जो हैक हुआ है, किस तरह से हैक हो रहा है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताते रहूंगा। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए, क्या है ये बात। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में हॉट मोबाइल का हॉटस्पॉट द्वारा या ब्रॉडबैंड के द्वारा जो अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, तो कभी कभी आप ध्यान दे रहे होंगे कि आपका डाटा जो है तुरंत ही लॉस हो जाता है, तुरंत ही डाटा खत्म हो जाता है। 1.5 GB डाटा, 2 GB डाटा जो है ये तुरंत का तुरंत ये खत्म हो जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक सेटिंग ऑन हो चुका है, जिसके कारण जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डाटा नेट अगर यूज करते हैं वो सारा का सारा डाटा जो है खत्म हो जाता है। वो एक ही घंटा में, डेढ़ घंटा में जो वो खत्म हो जाता है। तो सेटिंग का नाम है विंडोज अपडेट। दोस्तों, इससे क्या होता है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम जब भी स्टार्ट होता है, जब भी इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, जिसका साइज होता है 600 MB, 700 MB, 800 MB, 2 GB, 4 GB से भी ऊपर ज्यादा का वो अपडेट होता है, जिसके कारण आपको डाटा मतलब इंटरनेट आपको स्लो भी चलने लगता है और डाटा खत्म हो जाता है। तो इस सेटिंग को हम बंद करते कैसे हैं? तो इसके लिए करना क्या है कि आपको अपना कंट्रोल पैनल को खोल देना है। तो कंट्रोल पैनल आप किसी भी तरह से खोल सकते हैं। चलिए, मैं विंडोज बटन प्रेस करके क्या करता हूँ, कंट्रोल पैनल सर्च कर लेता हूँ। कंट्रोल पैनल सर्च करने के बाद क्या करना है आपको, इस तरह से ये विंडोज अगर ओपन होता है तो इसमें आपको यहाँ कैटेगरी पे आ जाना है। कैटेगरी पे आने के बाद यहाँ पे लार्ज आइकन का ऑप्शन सिलेक्ट हुआ, इसको सिलेक्ट कर देंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे विंडोज अपडेट का ऑप्शन देख लेना है। अगर नहीं मिला तो इसमें सर्च भी कर सकते हैं विंडोज अपडेट, जैसे मुझे मिल गया है यहाँ पे विंडोज अपडेट, इसको क्लिक कर लेना है। इस पर अगर हम क्लिक करते हैं आपका इस तरह का विंडोज शो होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यू आर सेट टू ऑटोमेटिकली इंस्टॉल विंडोज, यानी कि ये जो विंडोज ऑटोमेटिक के लिए सेट है पहले से। अगर जब भी हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड होगा इंटरनेट से तो ऑटोमेटिक ये विंडोज अपडेट लेगा और आपका सारा का सारा डाटा जो है खत्म हो जाएगा। तो इसके बंद करने के लिए एक सेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, चेंज सेटिंग, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का विंडोज ओपन होता है, चूज योर विंडोज अपडेट सेटिंग। इसमें यहाँ आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल विंडोज ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड। तो इस ड्रॉपडाउन में आना है। इस ड्रॉपडाउन से आने के बाद यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है आपको नेवर चेक अपडेट नॉट रिकमेंडेड, सिंपली आपको इसको क्लिक कर देना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ से ओके पे प्रेस कर देंगे। ओके पे प्रेस कर देंगे तो ये सेटिंग जो है आपका बंद हो गया। अब अगर चाहते हैं इसको चेक करना कि किस तरह से बंद हुआ तो कैसा शो करेगा, तो मैं ये ही आपको बता दे रहा हूँ। तो सिंपली आपको कंट्रोल पैनल को खोल लेना है। कंट्रोल पैनल खोलने के बाद फिर से आपको विंडोज अपडेट में आना है। विंडोज अपडेट में आएंगे तो देखेंगे यहाँ दिया हुआ ये क्रॉस लग गया है और यहाँ ये सेटिंग बंद हो चुका है। यहाँ दे रही है आपको मोस्ट रिसेंट चेक अपडेट लेवल, यहाँ दो शो कर दिया है। अगर आप विंडोज को अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ चेक फॉर अपडेट पर क्लिक करके जो है अपने सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से विंडोज अपडेट के सेटिंग को बंद करके आपने मोबाइल का डाटा जो है, अपने इंटरनेट का डाटा जो है, या हॉटस्पॉट के द्वारा चलाए या ब्रॉडबैंड के द्वारा, जिस तरह से भी आप कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनेट यूज करते हैं, तो आपका डाटा जो है लॉस नहीं होगा। आप जितना यूज करेंगे उतना ही डाटा आपका लॉस होगा, अब ज्यादा डाटा लॉस नहीं होगा और इंटरनेट जो है एकदम नेटवर्क 5G की तरह स्पीड चलेगा। तो उम्मीद है हमारी वीडियो को पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।